तो स्पीडो मैच कवर करने वाले जो कि बंगाल वुमेन्स T20 का जो कि मैच खेला जाएगा, काफ़ी दिन बाद में बंगाल वुमेन्स T20 के मैच कवर कर बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इस मैच को कवर करने के लिए। ये जो मैच है मैं पर्सनली बोलूँगा इन्वेस्टमेंट नॉर्मली रखना, ज़्यादा इनाम हाई नहीं, बट आप नॉर्मल अभी खेल सकते हो अभी के हिसाब से। सबसे पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे में और कोई शायद होगा जो बंदा कवर करेगा, तो आप लोग हमारा फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में टीमों को कोई और देगा भी नहीं। इधर उधर से जाने से अच्छा है कि आप हमारा टेलीग्राम चैट ज्वाइन, एक बार टेलीग्राम चैट ज्वाइन कर लोगे ना, मैं गारंटी साथ कर सकता हूँ लाइक मैं कभी भी आपको दूसरे चैनल को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे बड़ी बात अपना जो चैनल है सबसे ट्रस्टेड भी है। तो टेलीग्राम चैट उसे ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप उस लिंक पर डेफिनेटली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो उसे ज्वाइन कर लेना फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फेक मत ज्वाइन कीजिएगा, मेरे नाम से हज़ारों फेक चैनल बने हुए जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जिसका लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। एंड बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करना चाहूँगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं इसका वीडियो शूट किया हूँ, ये जो नहीं है मेंस वाला बंगाल मेंस का, उसका मैं शूट किया हूँ अभी। बंगाल वो मैं सुपर था मैं देखा था, अच्छी टीम है उसे, तो अच्छा मैच है जाना चाहिए। इसके बाद मैं सोचा कि वो ना अपना दोनों मैचेस में कवर करने के लिए, अभी 3 मैचेस हैं, 5 मैचेस वीडियो शूट करना है। हाँ तो सबसे ही रहा बंगाल वुमेंस टीम, ज़्यादा लंबी वीडियो शूट नहीं होगी, मैं सोचता हूँ जल्दी खत्म करें फटाफट से। ये 5th मैच है इसका, 6th मैच है इसका, ठीक है, मैच से मिस कर चुके, ये 6th मैच है। इन स्ट्राइकर्स बिना मुर्शिदाबाद क्यून्स और सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स का है। देखो तो फर्स्ट सेकेंड मैच ये लोग खेल के आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मुर्शिदाबाद क्यून्स का चेक कर लेता हूँ, अच्छी टीम है। तो मुर्शिदाबाद क्यून्स की टीम दस ओपनिंग करेंगे, टीम दस है प्रियंका प्रसाद जो कि टीम दस है, डक्ट आउट हो गए थे टीम दस से, ओपनिंग करेंगे टीम दस से। संदीपता पत्रा के साथ ओपनिंग करेंगे, स्नेहा गुप्ता वर्णा बैटिंग करेगी, प्रियंका सरकार जो कि टीम दस से फोना बैटिंग करेगी। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर है, हालांकि इतना भी कमजोर बैटिंग ऑर्डर नहीं है, ठीक है। प्रियंका प्रसाद अच्छी है, पत्रा भी अच्छी है टीम दस से, स्नेहा गुप्ता ठीक है, उसके अलावा प्रियंका सरकार ठीक है। तो बैटिंग ऑर्डर तो ठीक है, बॉलिंग से बात करें तो नीबो से स्टार्ट करते हैं टीम दस से। अगर आप देखोगे तो पावर प्ले में प्रियंका सरकार ने ही बॉलिंग किया, ओपनिंग भी की थी और सॉरी फोना बैटिंग भी की थी और साथ से पावर प्ले में बॉलिंग करने भी आई थी टीम दस से। स्नेहा गुप्ता वर्णा बैटिंग की, फिर 4 ओवर बॉलिंग की, 2 विकेट चिट गए। पत्रा जो कि टीम दस ओपनिंग भी की थी, और ये अच्छी बात है कि जो लोग इनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो भी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा तप्ती पॉल एज प्रियंका प्रसाद भी यहाँ तक के बॉलिंग के बताओ, अच्छी बॉलिंग करती प्रियंका प्रसाद ने। उसके अलावा देखोगे सीतमा नंदी जो कि टीम काफ़ी ठीक बॉलिंग की है, सबसे अच्छी बॉलिंग की 1.7 की इकोनॉमी से बॉलिंग की, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो ठीक है इनका बॉलिंग लेने से आप देखोगे तो ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, इनका क्लियर हो गया, आप देखते हैं सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स का ना। तो इनकी टीम दस से ओपनिंग करते हैं टीम दस से प्रीति मंडल, ओपनिंग करेंगे टीम दस से बस बृष्टि माझी के साथ, मुस्कान सिन्हा वन डाउन, प्रियंका बाला जबरदस्त प्लेयर, कैप्टन भी कर सकते फोन बैटिंग तो पता, लेकिन जबरदस्त प्लेयर टीम दस से, ठीक है। इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी तगड़ा बैटिंग ऑर्डर, कमजोर ही प्रियंका बाला इन्हीं के पास से बताओ। बॉलिंग से बात करें तो न्यू बॉल से स्टार्ट करती है जहानवी पासवान टीम दस से, 2 ओवर बॉलिंग की विकेट लेस के। पंपा सरकार 2 ओवर बॉलिंग की विकेट लेस के। भोशाल 2 ओवर बॉलिंग की विकेट लेस के। प्रिया पांडे 4 ओवर बॉलिंग की 1 विकेट लेके गए। मलिका रॉय 3 ओवर बॉलिंग की विकेट लेस के। उसके अलावा देखोगे सिंगदा बैग जो कि टीम दस से 1 विकेट लेके गए, ठीक है भाई। एंड बात करते हैं प्रिया भाई सैंडसन से, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते सब चीज़ों पे, बाकी टेलीम चेज उस के पार्ट टीम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड बात करते हैं प्रिया भाई सैंडसन से, उससे पहले एक छोटा सा काम कर सकते हो, हमारी खुद की फैंटेसी है पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जहाँ पे आपको रियल कैसे मिल रहा है रजिस्ट्रेशन समय, तो फटाफट से आकर रजिस्ट्रेशन कर लो अपनी खुद की फैंटेसी है पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और रजिस्टर करते ही आपको रियल कैश भी मिल रहा है। तो आप फटा जैसे वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो देख रहे हो, आप जैसे वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो जैसे देख रहे हो ना, क्या करना आप जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लाइक जो से कर दिया करो, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे ना मोरल सेक्शन, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे एक और मोर का सेक्शन है, इस पर क्लिक, पहला लिंक है टेलीग्राम चाहिए उस पर क्लिक, टेलीग्राम चाहिए ज्वाइन कर लेना। दूसरा लिंक खुलेगा मोर वाला, ये हमारी खुद की फैंटेसी ऐप है, इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे हमारी खुद की फैंटेसी ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। फैनवर्स हमारा नाम है, खुद की फैंटेसी ऐप का 50 नए फीचर्स है, और जो फीचर्स इस ऐप है वो आज तक किसी ऐप के पास नहीं है। प्ले स्टॉक ऑप्शन है, इस पर जाना, इस सेक्शन में जैसे आप क्लिक करोगे प्ले स्टॉक ऑप्शन पर क्लिक करना, अपने यूज़र नेम मेल आईडी मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर पे क्लिक करके सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जो भी आपका यूज़र नेम चाहिए ऐप पे वो डाल दो, मेल आईडी अपना डाल दो, मोबाइल नंबर अपना डाल दो, रजिस्टर पे क्लिक करो, सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इससे ये बेनिफिट्स आपको रियल कैश मिलेगा और अपने आप हमारे खुद की फैंटेसी ऐप पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। 3 ईयर से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं, अभी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, तब सोचो लॉन्च हुआ तो कितने लाख लोग खेलेंगे, तो सोच लो। तो आप भी रजिस्टर्ड कर लेना, ये 3 ईयर लोगों को इसलिए करा रहा हूँ, 3 ईयर लोग हो चुके हैं, ठीक ना। जितने लोग भी रजिस्टर करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिमिटेड सीट्स है, जितने लोग भी आएंगे
चाहे आप एक आईडी के साथ आओ या फिर दो आईडी के साथ आओ, आप सभी को रियल कैश मिलेगा, समझिए ना, तो सभी को रियल कैश मिलेगा। अब आपको तकलीफ है सेंसर से, बात है विकेट कीपर से, उससे पहले उस वीडियो को जूस लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है अपने जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिला है। बात पर विकेट कीपर जी वजह से हम समझाएंगे, उसे कोई आपको समझाएगा नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब उसे कर लेना। प्रियंका बाला एक अच्छी प्लेयर मैं मानता हूँ, टीम में सबको ना बैटिंग करते विकेट कीपिंग करे ना करे, लेकिन एक ऐसी प्लेयर है ना सिचुएशन बहुत अच्छे से संभालती है, मतलब एक ऐसी प्लेयर जिसे आप भरोसा कर सकते हो, और इनसे अच्छा प्लेयर मैं मानता भी नहीं विकेट कीपर में कोई है भी, क्योंकि मैं आपको इनका नाम सुनती बोल देता प्रियंका बाला इनके पास से बताऊँ, तो ये अच्छी प्लेयर टीम से कवर कर लो। देखो मुझे ऐसे टीम क्रिएट करना ज़्यादा पसंद है, फटाफट टीम क्रिएट हो जाता है, ठीक है मैं क्रिएट करके दिखाऊँ कैसी, ठीक है। अभी देखो रुको, इधर से मुझसे पूछोगे ना, देखो माझी को मैंने काफ़ी सारी पौंडी चेल T20 मैंने कवर किया, पौंडी चेल में काफ़ी ज़्यादा माझी को मैंने कवर किया, तो आप माझी वगैरह को भी कवर कर सकते हो, टीम से मैंने काफ़ी मजे से कवर किए थे, ये सरकार वगैरह भी ठीक है, बट उतना कोई ऐसे वगैरह सब एक ही पिक करना, फिर पिक करो फिलहाल एक ही पिक करके चलते हैं ना, सेकेंड पिक तो मैं पिराना वगैरह सोचता, लेकिन अभी के लिए एक ही पिक कर चलते हैं। प्रीति मंडल पहली बात तो बॉलिंग करे ना करें, लेकिन ओपनिंग रू से कर रही है और बॉलिंग भी अच्छी डाल डालती है टीम से, अच्छी प्लेयर प्रीति मंडल भी ख़राब नहीं है, ओपनिंग कर रही है। अधिकारी टीम में सोचने कुछ खास नहीं है, अधिकारी कहाँ बॉलिंग भी कहाँ कर रही है, अधिकारी अधिकारी प्रीति मंडल तो ठीक है, बट अधिकारी बहुत नीचे बैठी है, 2, 4, 6, 7 बैटिंग कर रही है, तो मैं प्रेफर नहीं कर रहा कि पिक करना चाहिए। अभी साइड का फिर 84% लोग पिक करें, टी पोल ये भी एक ठीक ठाक है, लेकिन प्रियंका प्रसाद आप कैप्टन भी कर सकते हो, एस नंदी काफ़ी अच्छी टीम तो से, एस नंदी लेने का बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ, बॉलिंग बहुत अच्छी करती है बंदी, मतलब एस नंदी, बंदी मतलब एस नंदी, छोटे से चीज़ें। उसके अलावा पासवान जो कि पावर प्ले बॉलिंग की थी ना, यही ना अच्छी बॉलिंग की थी, इससे तो दस में बॉलिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली मुझे 4th ओवर पिक करना पड़ा, मैं डेफिनेटली पिक करूँगा आँख बंद, क्योंकि इन सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये जो लोग पिक करें ना अधिकारी वगैरह, इन सबसे अच्छे अपने पिक कर लेते हैं, फिर पावर प्ले बॉलिंग करेगा और दस में ही बॉलिंग करेगी, ताकि अच्छा प्लेयर टीम से, फिर पावर प्ले विकेट भी गिरे और पावर प्ले का दस में विकेट लेंगे, ये सब तो वैसे बाय डिफॉल्ट है, ये सब आपको पिक करना, ये सब फोन चलिए T20 में हम लोग कवर करते थे भाई, ये सब अच्छे प्लेटिंग से, इनके लिए तो पूछे ही मत, इनको भी कितना कैप्टन करता था, ठीक है। माधव सरकार बहुत जबरदस्त प्लेटिंग, लिटरली बैटिंग करना उनको भी अच्छा आता है, इतना याद रखना, लोग कहाँ गई एक सेकेंड, जबरदस्त प्लेटिंग से, मतलब मैं आँख बंद इस बंदे को CBC कर सकता हूँ इस प्लेयर को, ठीक ना, मतलब बहुत अच्छी अपनी टीम से, 5 बॉल वो तो पिक करके चलो अपनी टीम में, बैटिंग भी अच्छी करती है और बॉलिंग भी अच्छी करती है, फोन ना बैटिंग करने हारे बताओ, ये स्नेहा गुप्ता तो अच्छी बात है, CBC भी करके चल सकते हो, एस पत्रा भी अच्छी बॉलिंग करती है, ओवरऑल मेरी टीम तो बन गई है, और मेरी टीम जैसे मैं क्रिएट किया हूँ और मेरी टीम बहुत परफेक्ट है, मेरे साइड से मेरी टीम एक नंबर है और कम्प्लीटली काफ़ी परफेक्ट है। कैप्टन से बात करें तो मैं एज अ कैप्टन प्रिफर करूँगा प्रियंका प्रसाद, सबसे बेस्ट है, लोग भाई मैं नहीं बोला सिलेक्शन है बट बहुत अच्छी प्लेयर टीम से, ओपनिंग प्लस टीम से क्या है कि बंदी ओपनिंग भी कर रही है और साथ साथ चारों बॉलिंग कर रही है, और वाइस कैप्टन तो CBC इतनी खरी कुछ अच्छे प्लेयर्स है, इनमें से आप किसी को रोटेट कर दो आपको पॉइंट्स डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ठीक ना, ये सब ऐसे प्लेयर्स है, 3-4 अच्छे प्लेयर्स है, और मैं अपना वाइस कैप्टन टीम में देखो ऐसे तो मुझे ठीक है माधव सरकार अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर टीम से, मैं बहुत साल बाद इनको देख रहा हूँ मेरी टीम में प्रियंका को, बहुत साल बाद, मतलब मैं लास्ट ईयर में 2021 में पिक किया था, उसके बाद मैं शायद ही पिक किया होगा 22 में था वो पिक किया होगा, 33 में बिल्कुल नहीं, बहुत ज़बरदस्त लेकिन प्लेयर है, खेलती बहुत अच्छी है, मैं अपना इसके स्नेह गुप्ता के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो बैटिंग भी अच्छी करती है और बॉलिंग भी अच्छी करती है टीम से, वरना बैटिंग करेगी और चारों बॉलिंग तो क्या ही चाहिए भाई, अच्छी प्लेटिंग था स्नेह गुप्ता, मेरी टीम से टीम था सबको रिस्की लगे, बट टीम ना ये उन लोगों की बहुत अच्छी टीम है जो लोग मतलब कि डेली मैचेस खेलते हैं, और से बता रहा हूँ देखो ना टीम परफेक्ट है, आपको अगर आप डेली अगर ऐसे मैचेस खेलते हो तो आपको बिल्कुल भी रिस्की टीम नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। प्रियंका प्रसाद है कैप्टन, वैसे स्नेहा गुप्ता, आप चाहो तो यहाँ पे प्रियंका माधव सरकार को भी कर सकते हो, सब अच्छे प्लेयर्स है टीम के से, सारे मेन बॉल यहाँ पे जे राय पासवान को ट्राई किया, मैं ट्राई किया हूँ, अच्छी प्लेयर टीम से, मिलते हैं टीम फाइन टीम साथ, कोई डाउट होती है कमेंट करना, ठीक है, बाकी मेरे टीम पे टीम एक नंबर, आपका वीडियो क्वालिटी ना मैं बताता हूँ 17 तारीख से बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी, तो आप लोग बस वेट करो, आप भी सेम टीम कॉन्टेस्ट को कर दो सेम टीम के साथ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फाइनल अपडेट के लिए।